यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बुलेटिन में बात अब बहादुरगढ़ की होगी, जहां पे नगर परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, आज नगर परिषद में किया जाएगा पेश और उसके बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल 15 पार्षदों ने चेयरपर्सन के खिलाफ दिया था अविश्वास का नोटिस। चेयरपर्सन को हटाने के लिए 21 पार्षदों का चाहिए साथ और झज्जर के SDM रोहित यादव रहेंगे बैठक में मौजूद। दोपहर 3 बजे तक किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव में बचाने में कामयाब रहते हैं तब तो ठीक, अगर नहीं तो एक बड़ा बदलाव नगर निगम में देखने को मिल सकता है। और इसकी जो सुगबुगाहट है वो पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन दोपहर 3 बजे आज अविश्वास प्रस्ताव पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। प्रदीप कुमार हमारे संवाददाता बहादुरगढ़ से फोन लाइन पे हैं। प्रदीप, क्या कुछ स्थिति है, 21 पार्षदों की जरूरत होगी, क्या वाकई में 21 पार्षदों के साथ अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाएगा? जी, दरअसल जो विरोधी पक्ष है उन्होंने एफिडेविट दिए थे, करीब 15 पार्षदों ने इकट्ठे होकर DC के समक्ष अपनी हाजिरी दी थी और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मीटिंग बुलाने की मांग की थी। आज बहादुरगढ़ नगर परिषद में 3 बजे यह मीटिंग बुलाई गई है। झज्जर के SDM है रोहित यादव, उनकी देखरेख में यह मीटिंग बुलाई गई है और जो विरोधी पक्ष है उनका यह कहना है लगातार कि उनके संपर्क में करीब 22 पार्षद हैं और 22 पार्षद जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सक्षम होंगे, वो तैयारी उनकी पूरी है लगभग। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि नगर परिषद बहादुरगढ़ में चेयरपर्सन शीला राठी हैं, जो कांग्रेस से ही जो है समर्थित हैं, कांग्रेस की ही वो नेता है। दरअसल जो कांग्रेस के ही पार्षद हैं वो इनसे खफा चल रहे हैं और शहर में काम नहीं होने के कारण अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी उन्होंने की है। जो नफे सिंह राठी हैं पूर्व विधायक, उनके समर्थक जो पार्षद हैं वो भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इनका साथ दे रहे हैं और इनेलो के भी पार्षद हैं जो काफी संख्या में यहाँ पर, ऐसा कि आज जो है इन्हें हटाने की पूरी तैयारी चल रही है और करीब 3 बजे ये बैठक होनी है, लेकिन कुछ एक पार्षद हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं या फिर जो है खलल डालने की भी तैयारी हो सकती है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव के लिए यहाँ पर जो कोरम है वही पूरा ना हो और मीटिंग जो है अधूरी रह जाए। जी बिल्कुल प्रदीप, तो क्या लगता है कि किस तरीके से, क्या कांग्रेस चेयरपर्सन के खिलाफ एक बड़ी मुश्किल है या फिर दूसरी तरफ से जो विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है, उधर से कोई एक ऐसा चेहरा है जो खुद चेयरपर्सन बनना चाहता है? जी, दरअसल जो नफे सिंह राठी गुट है वहाँ, वही उनकी भतीजे की पत्नी है मोनिका राठी, वो भी पिछली बार भी चेयरपर्सन चुनाव में खड़ी हुई थी तो 11-11 मत दोनों को मिले थे, शीला राठी और जो चेयरपर्सन अब बनी हुई है कांग्रेस से है वो, जबकि मोनिका राठी को भी 11 ही मत मिले थे मीटिंग में पिछली बार चेयरपर्सन का जब चुनाव हुआ था, लेकिन उसके बाद टॉस करवाया गया था और टॉस के बाद ही शीला राठी चेयरपर्सन चुनी गई थी। लेकिन अब जो विरोधी पक्ष है नफे सिंह राठी गुट है या इनेलो समर्थित जो पार्षद हैं, कांग्रेस के भी कुछ पार्षद फिलहाल खफा चल रहे हैं, तो वो सारे एकमत होकर आज अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है, दोपहर 3 बजे बैठक होनी है, बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन खबर ये भी है कि कुछ पार्षद गायब पाए जा रहे हैं जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। बात अब फतेहाबाद की करेंगे, जहां पे सरपंच पे जानलेवा हमले की खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल कारिया गांव के सरपंच पे जानलेवा हमला और उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। गांव के पास युवक से हुई थी कहासुनी और इसी कहासुनी की वजह से जानलेवा हमला की खबर बताई जा रही है। कहासुनी के बाद युवक ने ईंट से किया हमला और हमले में सरपंच घायल अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है, लेकिन सरपंच और एक युवक के बीच में कहासुनी इस कदर बदल गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया और युवक ने ईंट उठा के सिर पे मारा, जिसके बाद सरपंच घायल हो गया और सरपंच को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी खबर फतेहाबाद की है। जितेंद्र मोंगा इससे पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या था पूरा मामला और क्यों हुई थी मारपीट? जी, जो आपसे रंजीश जी बताई जा रही है इसमें, लेकिन पुष्टि अभी तक इस मामले को लेकर नहीं हुई है और युवक द्वारा हमला इन पर किया गया है। कारिया के सरपंच हैं और काफी गंभीर चोटें नहीं आई हैं, जिसके बाद इन्हें फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल से हिसार जो रेफर कर दिया गया और हिसार के अस्पताल में इनका इलाज जो है चल रहा है। बिल्कुल, क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है उस युवक पे जिसने हमला बोला है?
पुलिस की ओर से जो बयान दर्ज सरपंच के किए जा रहे हैं और जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है और पुलिस की एक टीम हिसार रवाना हो चुकी है बयान लेने के लिए, उसी आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो गांव के पास युवक से हुई थी कहा सुने, जिसके बाद युवक ने ईंट से मारा और जिसके बाद सरपंच घायल हो गए और उनकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। पूरा मामला है फतेहाबाद के कारिया गांव का, जहां सरपंच घायल स्थिति में अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कहा सुनी के बाद सरपंच के ऊपर हमला बोला गया, हालांकि खबर यह है कि ये जानलेवा हमला है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है, लेकिन अभी इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये रंजिश के चलते जानलेवा हमला है।